हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप पढ़ोगे जो आपका क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो भाई जिनको भी ये समझ में नहीं आता है मैं उनको बताती हूँ, ये वीडियो अगर देख लिया ना, अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, बस फिर से देखना, बट मैं गारंटी लेती हूँ आपको आएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिए, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज ग्रो होती है, ज्यादा मैच्योर बनती है, ज्यादा एडवांस होती है, तो हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो पहले, सबसे पहले आप डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलो कि भाई डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी चीज ग्रो होती है, ज्यादा मैच्योर बनती है, ज्यादा एडवांस होती है, तो हम बोलते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे पहले आपकी हाइट कम थी भाई, अब आपकी हाइट ज्यादा हो गई, वो भी एक डेवलपमेंट है। ठीक है, पहले आप 9th में थे, अब आप 10th में आ गए, वो भी डेवलपमेंट है। फिर अभी आप 11th में जाओगे, वो भी एक डेवलपमेंट होगा आप में बाद में। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी चीज समथिंग ग्रोस एंड बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस, वो होता है डेवलपमेंट। अब ये डेफिनेशन है ना, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा तो क्या क्या जानना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब बेसिकली जैसे आप अपनी बुक खोलोगे तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग होगी, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। ठीक है, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। अब यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की बात है नहीं, यहाँ पे कहीं डेवलपमेंट लिखा हुआ नहीं है, तो क्या है इसका मतलब, है ना? तो देखो, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स का इतना तो आप समझे कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग गोल्स हैं। ठीक है, अब लोगों के गोल्स अलग होंगे तो लोगों में डेवलपमेंट भी अलग होगा, ये बात करेक्ट है ना? यानी एक ऐसी बात हो गई ना भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उसी टाइप से है, अलग लोग हैं, सबकी सोच अलग है। ठीक है, सबकी गोल्स अलग है, इसलिए डेवलपमेंट अलग होता है उनमें। अब एग्जाम्पल लो, जैसे कि अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबर, समझ आना? ठीक है, रूरल लेबर है। ठीक है, अब उसी तरह और एक हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि कोई रिच फार्मर है तो उसका क्या गोल होगा, एग्जाम्पल से लेंगे जो आपके बुक में जो है ना, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जैसे कि एक अर्बन एम्प्लॉय यूथ है तो क्या होगा उसका गोल, अर्बन एम्प्लॉय यूथ। ठीक है, और जैसे कि एक गर्ल होगी जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती, तो उसका क्या होगा, रिच फैमिली गोल। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें क्या होगा कि वो फार्मर्स जो कि डिपेंड हमें मतलब ओनली बारिश पे रहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, फार्मर्स ऑन डिपेंड ऑन रेन, फार्मर्स जो कि डिपेंड होते हैं रेन में। ठीक है, तो इनमें क्या क्या गोल्स है वो देखो भाई। ठीक है, अब आप इतना जानते हो, जो लैंडलेस रूरल लेबर है ना, इस पे क्या गोल हो सकता है आप खुद एक बार सोचो। अगर कोई लेबर है जिसके पास जमीन नहीं है, वो गांव में है, ठीक है, तो उसका क्या एक गोल होगा, तो आप क्या कहोगे? तो उसका गोल ये होगा कि उसको बेटर वेजेस मिले, है ना, बेटर वेजेस मिले उसको। अब वेजेस क्या होता है, देखो वेजेस क्या होता है कि अगर कोई भी लोग है उसको डेली डेली काम, मतलब जैसे मजदूरी होता है ना, तो वो करते हैं, उसको डेली डेली पैसे उतने मिलते हैं डेली डेली, तो वो होता है वेजेस। तो वो चाहेगा कि भाई उसको बेटर वेजेस मिले, लगभग उसको काम मिल जाए, है ना, मोर डेज ऑफ वर्क। तो मैं यहां लिख देती हूँ मोर डेज ऑफ वर्क, डेज ऑफ वर्क। ठीक है, और उसका क्या होगा मतलब गोल, और उसका ये गोल होगा कि वो है ना कहीं ना कहीं लीडर बन जाए गांव का, ये भी एक गोल हो सकता है, लीडर बन जाए। और क्या होगा, वो जो सोशली इकोनॉमिकली है ना डिस्क्रिमिनेट जो होता है ना, वो ना हो, है ना, तो ये भी होगा, यानी इक्वलिटी मिले उसको। ठीक है, तो ये सारी गोल्स हो सकती है इनकी। ठीक है, उसी तरह अगर कोई रिच यहाँ पे मैंने गोल लिख दिया, अगर कोई रिच फार्मर है तो उसकी गोल क्या क्या होगी, उसका गोल ये होगा कि जो फैमिली इनकम है और वो बढ़े, है ना, इंक्रीज फैमिली इनकम। ठीक है, और क्या गोल होगा, और उसका गोल ये होगा कि भाई अपने बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन दे सके, है ना, बेटर एजुकेशन मिले, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो बाहर भेज सके पढ़ने के लिए, वो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो उसे तो अगर कोई एक अर्बन एम्प्लॉयड यूथ है, उसका क्या क्या होगा गोल, उसका गोल ये होगा कि भाई उसको गुड जॉब मिले, है ना, गुड जॉब जिसमें पैकेज बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, जिसको हम सैलरी कहते हैं। ठीक है, ये हो सकता है भाई। और अगर कोई एक रिच फैमिली से गर्ल बिलोंग करती है तो उसका क्या होगा जो गोल होता है, तो उसका गोल आप खुद सोच के देखो, तो उसका गोल क्या होगा कि उसको है ना ज्यादा फ्रीडम मिले, है ना, जैसे जितने उसको भाई को मिलेगा उसको उतना फ्रीडम मिले,
वो भी जो और सब काम है उसमें भी वो हाथ बटाए तो वो सब वर्क कर सके, उसका भाई करता है वो वर्क कर सके, है ना, समझ जाओ इससे। तो ये सारी गोल्स होगी, ठीक है। और जैसे ये और हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी ये सोचे कि भाई उसका एक अपना एक इंडिपेंडेंट घर हो, है ना, वो अपना एक घर करे, अपना एक बिजनेस ट्राई करे, बिजनेस अपना आगे बढ़ाए, ये भी होगा गोल। उसी तरह अगर कोई एक फार्मर है, ठीक है, जो कि डिपेंड रहता है रेन में फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उसका क्या गोल होगा? उसका गोल ये होगा कि उसका जो इरिगेशन फैसिलिटीज है ना उसको बहुत अच्छी मिले। इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है ना, तो गुड इरिगेशन फैसिलिटीज मिले जो फार्मर डिपेंड होते हैं रेन में फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो यहाँ पे देखो हमने 1, 2, 3, 4, 5 एग्जांपल्स लिए, ठीक है। अब आप देखो ये 5 एग्जांपल में सबके गोल्स अलग थे, ठीक है, सबके गोल्स अलग थे। अब देखो गोल्स अलग क्यों ना हो, क्योंकि है ना उनका सिचुएशन भी अलग है। तो अब देखो सबके अलग गोल है तो डेवलपमेंट इसलिए उनमें अलग होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, आई होप ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। क्या अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट अगर किसी किसी इंसान का वहां पे कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या और जो लोग हैं उनके लिए भी डेवलपमेंट है? क्या अगर कोई चीज डेवलप हो रही है क्या हाँ सबके लिए क्या डेवलपमेंट वो चीज होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल वाले लेते हैं उसके बाद इसको देखोगे, ठीक है। जैसे कि देखो क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि ले पहले, जैसे कि है ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम का। तो अब डैम बन रहा है, जैसे कि ये डैम है, ठीक है, अब डैम बन रहा है तो यहां पे मान के चलो डैम बनने में कितना स्पेस चाहिए, है ना। अब वहां पे जो आदिवासी रहते हैं, ठीक है, आदिवासी जो बगल में रहते हैं, जो कहीं पे जंगल है, तो उन आदिवासी है उनको क्या करता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनको तो वहां से हटा दिया जाता है ना, तब वहां पे डैम बनता है या कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा होता है। तो अब बताओ मैं अगर उस नजर से देख रही हूं और आप भी देख रहे हो भाई वहां डैम बन रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। आप बोलोगे हाँ वहां पे तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, लेकिन अब आप खुद एक बार सोचो उनको जो डिस्प्लेस किया गया आदिवासी को, उनके लिए क्या वो डेवलपमेंट है? उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, है ना, फॉर आदिवासी के लिए डेवलपमेंट नहीं है वो चीज, है ना, क्योंकि उनके लिए क्या हो गया, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप एक चीज क्या समझे कि जरूरी नहीं अगर कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है वो सबके लिए डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है दूसरों के लिए, ऐसे आप पे समझ लो, ठीक है। अब और एग्जाम्पल, ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, ठीक है, और एग्जाम्पल हो भाई अगर फुटपाथ है, ठीक है, अब फुटपाथ जो मान के चलो यहाँ पे रोड जो होता है वहां पे फुटपाथ बनाएगा तो वहां पे क्या होगा, एरिया चाहिए। अब मान के चलो उधर जो घर है या फिर जो घर सब होंगे क्या करेंगे, उसको तो हटा देंगे ना, अब जो भी फुटपाथ पे रहते हैं उन सबको भी हटा देंगे, तो उनके लिए क्या है, हम लोग देखेंगे तो भाई वहां पे हाँ फुटपाथ बन रहा है बहुत अच्छी बात है डेवलपमेंट हो रहा है, बट उनके लिए वो चीज डेवलपमेंट नहीं है, है ना, उनके लिए वो चीज डेवलपमेंट नहीं है। तो यही बात है, तो आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है अगर कहीं डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सबके लिए डेवलपमेंट हो, सबके नजर में डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं होगा, वो दूसरों के नजर में डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब एयरपोर्ट बन रहा है, इसको भी देख लेते, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको मजा भी आएगा समझ में। एयरपोर्ट है, अब कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, मान के चलो एयरपोर्ट है ये, ठीक है, अब एयरपोर्ट को और एक्सपेंशन कर जाए, मतलब एयरपोर्ट को और बड़ा किया जा रहा है, अब क्या होगा, जो एरिया है वहां पे जो एरिया में लोग रहते हैं उनको तो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा ना, उनके लिए तो अच्छी बात नहीं है ना वो। हम लोग बोलेंगे भाई एयरपोर्ट बन रहा है तो वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, पर आप खुद सोचो उनके नजर से उनके लिए वो चीज डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आप यहां तक समझ गए डेवलपमेंट क्या होता है, जरूरी नहीं है सबके लिए डेवलपमेंट हो, दूसरों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको यहां तक आ गया समझ में। तो अब देखिए इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है, अब इनकम एंड अदर गोल्स से आप क्या समझते हो कि इनकम क्या होता है, इनकम यानी पैसे, है ना, इनकम क्या होता है, पैसा। अब उसी तरह ये गोल अदर गोल्स में क्या आता है, अदर गोल्स में ये आता है जैसे कि आपका फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, ये सब क्या होता है, अदर गोल्स में आता है। तो जो इनकम होता है, क्या इनकम ही हर चीज है, इनकम से आप हर चीज कर सकते हो? तो वही बात है कि नहीं, इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि सब अब इसी को इंपॉर्टेंस दे दो, तो अदर गोल्स का भी बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। देखो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल सीक्स अदर थिंग्स, बस इनकम के अलावा लोग क्या और चाहते हैं, क्या देखते हैं, अदर थिंग्स को, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, इक्वालिटी जिसको बोलते हैं, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट, ये सब है अदर गोल्स,
ठीक है। अब इनकम क्या है, इनकम इनकम एक मटेरियलिस्टिक थिंग है ना, एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, लेकिन जो अदर गोल्स है नहीं है मटेरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, इसको आप नाप नहीं सकते, इसको आप तोल नहीं सकते, बट इसको आप कर सकते हो। ठीक है, इसको तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे वही बात है कि भाई बस इनकम जरूरी नहीं है, डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं होता, अदर गोल से भी होता है। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि अगर कोई इंसान है उसको हम डेवलप कब बोलेंगे, तब बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, कोई ह्यूमन डेवलप है तब बोलेंगे हम जब डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे, अगर कोई इंसान है उसका डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है कि वो आराम से खुशी खुशी रह रहा है, वो फुलफिल कर पा रहा है अपने जितने भी मटेरियलिस्टिक डिजायर है और एक अच्छे खुशहाल जिंदगी जी रहा है, तो उसको बोलेंगे। ये नहीं कि जिसके पास सिर्फ इनकम है बस उसको, क्योंकि इनकम से इंसान बस खुश नहीं हो सकता ना, उसको अदर गोल्स भी चाहिए, लाइक रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है ना, सिक्योरिटी है, तो ये सब चीजें भी जरूरी होती है। तो दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है कि इनकम भी होना चाहिए और जो अपना अदर गोल्स है वो भी होना चाहिए, अदर गोल्स भी होना चाहिए। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो दो सिचुएशन है आपके पास जहां पे आपको सैलरी मिल रही है 1 लाख और एक जगह मिल रहा है 50,000। ठीक है, लेकिन देखो 1 लाख में क्या है कि आपको है ना कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है। जॉब सिक्योरिटी मतलब आपको कभी भी निकाल देंगे, कोई इसका पता नहीं है कब निकाल दे भाई, 2 महीने रखे फिर 3रे महीने में बाय बाय कर दे, तो ऐसा हो सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे रिस्पेक्ट का पता नहीं, यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट है वो आपको नहीं मिल रहा, और फ्रीडम तो मिल ही नहीं रहा आपको। ठीक है, फ्रीडम नहीं मिल रहा आपको, कभी भी रात को 12-1 बजे बुला लेंगे काम करने के लिए, तो यहाँ पे फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो होता है ना, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, बस आपको यहाँ मिल रहा है सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे आपको 50,000 मिल रहा है जो कि इससे बहुत कम है, इसका आधा है, बट आपको ये सारी चीज मिल रही है जिसको हम कहते हैं अदर गोल्स। ठीक है, तो आप क्या चूज करोगे? कहीं ना कहीं देखो बहुत सारे लोग तो ये चूज करेंगे, है ना, मैं मानती हूँ कि 90% लोग ये वाले चूज करेंगे, लेकिन 10% ही चूज करेंगे, क्योंकि इंसान में बहुत लोग है भाई, है ना, सब एक पर एक है, तो ये भी पक्का चूज करेंगे ही, तो आप समझ गए, लेकिन 90% लोग तो ये वाला चूज करेंगे, है ना। तो आप समझ जाओ इनकम एंड अदर गोल्स, तो इनकम ही जरूरी नहीं है, उसके लिए अदर गोल्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। तो अब देखिए, अब है नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, देखो एक चीज आपको ये भी याद रखना है, देखो देश डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए भी जो राय आदमी देते हैं ना, सबका अलग अलग राय होता है ना। किसी का मानना है कि हेल्थ अगर सबकी अच्छी है ना, तो सब फिट रहे तो डेवलप उससे होगा देश। कोई बोलता है कि सबकी अलग अलग सोच होती है कि अगर ये हुआ तो डेवलप होगा कंट्री, ये हुआ तो डेवलप होगा नेशन, तो उसी तरह सबकी अलग अलग सोच होती है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट में जिसमें जो स्थिति होती है, इकोनॉमिक स्थिति जो होती है, सोशली जो होता है ना उनका सिचुएशन, ये सब अच्छा हो, पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा हो, तो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, देखो जैसे कि सोशल सिचुएशन है वो अच्छी हो, और इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी हो कंट्री की, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी अच्छी हो कंट्री की, और क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये हो अच्छी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर एक नेशनल डेवलपमेंट होता है, तभी नेशन डेवलप करेगा, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब नेशनल डेवलपमेंट का डिफिनेशन देखो, इसे आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या होता है ये। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी, मैं इसको पहले लिख देती हूं, तो अब देखिए हाउ टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स। तो उसके लिए क्या करता है, अगर कोई कंट्री या कोई स्टेट को हम बोलते हैं हाँ वो कंट्री क्या है, डेवलप है, ठीक है, कैसे हम बोलते हैं, या फिर कोई स्टेट है कैसे वो ज्यादा डेवलप है, दिल्ली ज्यादा डेवलपमेंट है बिहार से, कैसे इतना डेवलपमेंट है, तो उसी के लिए क्या होता है, अगर हम कोई कंट्री, पहले कंट्री, ठीक है, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, अगर कोई कंट्री है बोलते हैं ना हम कि हम जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत डेवलप है भाई, है ना, इंडिया भी डेवलप, मतलब अभी चल रहा है, इंडिया अभी डेवलप नहीं हो पाया अच्छे से, अभी डेवलपिंग है मतलब, ठीक है, तो जैसे कि पाकिस्तान कम डेवलप है इंडिया से, कैसे बोलते हैं हम, तो उसके लिए क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक होती है वो क्या करती है, पर कैपिटा इनकम निकालती है। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, जो टोटल इनकम होता है कंट्री का, मतलब जितने भी लोग हैं उनके इनकम को सम, उनका इनकम का सम कर दीजिए, तो आ जाएगा नेशनल इनकम।
तो आएगा यहाँ पे नेशनल इनकम। अब ये जो नेशनल इनकम है इसको आप डिवाइड कर दो भाई टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। लेकिन ये जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम सिर्फ नहीं बोल सकते कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, कुछ लिमिटेशन है। ये जो वर्ल्ड बैंक है ना जो पर कैपिटा इनकम निकालती है, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री। कोई आइडिया नहीं देता क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कि हाँ सब लोग के पास या फिर कुछ ही लोग के पास। एग्जाम्पल से समझो, कंट्री में कोई कंट्री है जहां पे 10 लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, मान के भाई मान लो ऐसा, ठीक है, 10 लोग हैं वहां पे। अब है ना पर कैपिटा इनकम हमने निकाला तो पता चला भाई 50,000 रुपए सब महीने कमाते हैं, ठीक है, पता चल गया उनका इनकम इतना है। लेकिन अब डीपली जाके हमने देखा तो पता चला 10 में से है ना 7 लोग सिर्फ 50,000 कमा रहे थे और जो बचे 3 वो सिर्फ 10,000 कमा रहे थे। तो कितना ज्यादा गैप है अब देखो, है ना। तो उसी तरह होता है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम निकाला ना तो यही हाल होगा। इसलिए इंडिया वैसे ऐसा ही है, अगर आप इंडिया की बात करो तो ऐसा ही है। बहुतों के पास क्या होता है, मतलब इंडिया में कुछ परसेंट लोग के पास ही इतने पैसे होते हैं और 98% ऐसे ही, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या करती है, तो इसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते कोई कंट्री है या नहीं है डेवलप, है ना। क्योंकि अब उसके लिए क्या होता है, जो यूएनडीपी होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP याद कर लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट निकालती है जिसको हम बोलते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। तो वहां पे क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जो होता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, पर कैपिटा इनकम जो होता है, और जो हेल्थ सिस्टम जो होता है, क्या हेल्थ है भाई कंट्री का, मतलब होता है ना एजुकेशन का क्या सिस्टम सिचुएशन है, इन तीन चीजों को कंपेयर किया जाता है। इसको पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, इन तीनों को कंपेयर किया जाता है। उसके बाद है ना रैंकिंग की जाती है, कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सा उससे कम है, कौन सा उससे कम है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, तो इन तीनों को कंपेयर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। अब पर कैपिटा इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, जैसे अभी मैंने बात की ना इनकम एंड अदर गोल्स, अदर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है या इनकम, तो देखो मैं बताऊं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप एक बात करो तो इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अकेला वही नहीं कि वही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो वही बात है, पैसे तो है ही इंपॉर्टेंट भाई, है ना। तो इन तीनों चीज को कंपेयर किया जाता है, उसके बाद रैंकिंग की जाती है कंट्रीज की। आ गया यहां तक समझ में, ओके। अब देखो एवरेज इनकम, देखो अब याद रखना कि पर कैपिटा इनकम को है ना हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, एवरेज इनकम, तो इसको याद रखना भाई, इसको हमें ना ये नाम से भी जानते हैं, ये नाम से भी जानते हैं, ओके। तो अब देखिए कुछ टर्म्स आपको जाननी है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो क्या होता है ये, तो ये है ना एक हमें मतलब इट इज अ एज विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लीव, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि मतलब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का एज कि वो कितना जीता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में बात करें तो इंडिया की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, इन इंडिया मेल्स जो होते हैं वो 67.34 ईयर्स जीते हैं और फीमेल 69.64 ईयर्स जीते हैं। तो अब देखो यहाँ पे फीमेल्स ज्यादा जी रही है एज कम्पेयर टू मेल्स, राइट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, देखो इन्फेंट का मतलब बच्चे, अब ये एक वो रेट है जो हमें बताता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल होने से पहले ही मर गए, यानी जिनका ईयर एक साल भी नहीं हुआ था, वो कितने बच्चे हैं 1000 में से कि मर गए वो। तो वो एक रेट हमें बताता है कि हाँ इतने बच्चे मर गए उस प्लेस पे, उस जगह पे, ठीक है। अब देखो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, अगर कोई स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इसका मतलब वहां का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, राइट। क्योंकि अगर वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता तो इतने बच्चे मरते ही नहीं। तो यहाँ पे यही बात है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट, ये एक नंबर है टोटल इन्फेंट जो बच्चे हैं मरते हैं बिलो वन ईयर, एक साल होने से पहले, आउट ऑफ 1000 बेबीज, ठीक है। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और जो लिटरेसी रेट आपको पता होगा, यानी कितने रेट बताता है कि कितने वहां पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो भी बिहार में कम है। और मेट्रोलन मोर्टेलिटी रेट भी बिहार में ज्यादा है भाई। अब देखो इट इज अ टोटल, अब मेट्रोलन मोर्टेलिटी रेट क्या है, जैसे यहां बच्चों का है उसी तरह है मदर्स का है, यानी ये एक रेट बताता है कि 1000 मदर्स में कितनी ऐसी मदर है जो कि मर गई वाइल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को जन्म देते वक्त कितनी मदर मर गई, तो वो रेट हमें बताता है मेट्रोलन मोर्टेलिटी रेट। तो इट इज अ टोटल नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर आउट ऑफ 1000 मदर्स वाइल गिविंग बर्थ टू बेबीज, ठीक है।
तो यही होता है, जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो, तो वहां पे तो कोई भी बोलेगा भाई वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ऐसे हो क्यों रहा है ना। तो ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब एडल्ट लिटरेसी रेशियो, तो वो ये रेशियो है जो कि हमें बताता है कि जितने भी लोग हैं दोनों सेक्सेस के, मेल्स एंड फीमेल्स, जिनका है ना एज 15 साल से ज्यादा हो रहा है और उन्हें है ना पढ़ना लिखना आता है, ठीक है, दे हैविंग द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, तो वो हमें बताता है एडल्ट लिटरेसी रेशियो। इससे ये पता चलता है, देखो, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल्स बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स जिनका एज है ना 15 साल से ज्यादा हो रहा है, तो उनको पढ़ना लिखना आता है या नहीं है, तो उस एरिया में, उस स्टेट में, उस कंट्री में, तो वो हम पता करते हैं एडल्ट लिटरेसी रेशियो से। अब देखिए ये सब है ना जो टर्म्स आपको बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड जो भी आपका टर्म अभी बताया मैंने, ये सब है ना कंपेयरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि बात हम करें केरला और बिहार की, तो देखो केरला में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी अच्छी बात है, और एडल्ट लिटरेसी रेशियो ज्यादा है, वो भी अच्छी बात है, बट बिहार में ऐसा नहीं है, अपोजिट है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, जो बिहार है इस मामले में, जो केरला है वो ज़्यादा डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू बिहार, तो यहाँ पे यही बात है। अब देखो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो पब्लिश करता है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज से, ठीक है। तो देखो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, जैसे कि आपके घर के बगल में गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, है ना, पुलिस स्टेशन है, पुलिस पोस्ट ऑफिस है, ये सब क्या है, ये सब है पब्लिक फैसिलिटी। अब जो रोड होता है जो गवर्नमेंट बनाती है ना, जो चिल्ड्रन पार्क जो गवर्नमेंट बनाती है बहुत सारी, तो क्या होता है, ये सब है पब्लिक फैसिलिटीज जो कि हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई बेसिक सर्विसेज तो देने ही देने हैं उसको, और उन सर्विसेज को क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट देती है वो होता है पब्लिक फैसिलिटी, जो पूरे पब्लिक को देती है, मतलब, ठीक है। तो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट को ये देना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक फैसिलिटीज ही नहीं दिया तो और क्या देगा। अब जैसे देखो, आपका घर है, ओके, आप बहुत रिच हो, ठीक है, बहुत रिच हो, अब आपके पास क्या है, फरारी है। अब पता नहीं कैसी ड्राइंग होती है फरारी की, जो भी हो, चलो फरारी नहीं, चलो कि कोई भी कार मान लो, ठीक है ना, फरारी इतनी बड़ी कार है तो हम उसके बारे में ऐसा नहीं बना सकते कि भाई वो ऐसा वैसा होता है। तो मान लो कोई कार है, ठीक है, आपने कोई कार ली और ये आपका घर है, मतलब बहुत अच्छी खासी आपकी जो इनकम है बहुत अच्छी है, तो उससे पैसे वाले। अब देखो क्या होता है, अगर आपके घर के आसपास रोड ही अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं होगा ना, रोड ही अच्छी नहीं तो अच्छी बात नहीं है ये, तो क्या होता है, रोड अच्छी होनी चाहिए। तो आप समझो पब्लिक फैसिलिटीज का कितना बड़ा रोल है, आपके पास पैसे हैं, कार है, भाई आप जा रहे हो, लेकिन रोड में गड्ढे हैं। अब रोड कंस्ट्रक्ट कौन कराएगा, वो गवर्नमेंट ही कराएगा, तो वही बात है, पब्लिक फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आप तो उसको नहीं कर सकते ना, तो वही बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं BMI क्या होता है, ठीक है, BMI क्या होता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बता रही हूँ, आप इसको ट्राई जरूर करना, ओके, मैंने भी किया था। अब देखो BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, इससे है ना जो एडल्ट होते हैं, जैसे ये है ना, मतलब जो नरिशमेंट होता है, नरिशमेंट लेवल होता है एडल्ट में, तो वो हमें BMI से पता चलता है। मतलब आप ये सिंपल सा कह सकते हो कि भाई इससे हम ना पता कर सकते हैं उसकी हेल्दी बॉडी है या नहीं है, मतलब जो उसका वजन है, मतलब ठीक है, ओवर वेट नहीं है, मतलब ठीक है, ओके। अब देखो, मतलब जैसे कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं है, समझ रहे हो, नरिशमेंट लेवल पाने के लिए, मतलब होने के लिए बताता है भाई ये, जैसे ये BMI है। अब ये कैसे हम निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो वेट होता है, ठीक है, वेट और हाइट। अब जो वेट है आपको तो केजी में लेना है, अब हाइट को मीटर स्क्वायर कर देना है, ठीक है, मीटर में लेना है, उसको स्क्वायर कर देना है। अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको तो ओके। अब देखो जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, उसका जो वेट है वो है 48, ठीक है, 48 केजी मान लो भाई। अब उसका हाइट क्या मान लो आप, हाइट मान लो 2 मीटर है भाई, बहुत ज़्यादा है, बट मानो 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर हाइट हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी 4 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 12। अब ये जो 12 यहाँ पे आया, तो देखो ये क्या है, अब बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे 12 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ओके, दिख रहा है। अब If BMI is more
देन 18.5 पर्सन इज अंडर नरिशमेंट. ओके, पर्सन इज अंडर नरिशमेंट. अब उसी तरह यहां पे इफ बीएमआई इज लेस देन, ओके लेस नहीं है, कभी मोर आएगा, मोर देन 25 तो पर्सन इज पर्सन क्या होगा, पर्सन इज ओवर वेट. ठीक है, पर्सन क्या होगा, ओवर वेट होगा. अब देखो यहां पे जैसे क्या हमारा बीएमआई आया 12 आया, ठीक है, लाइक ये 12 आ गया. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है अगर कोई एडल्ट, यहाँ पे क्या है, ये एडल्ट का नरिशमेंट लेवल बताने में काम आता है. तो अगर बीएमआई है ना, अगर 18.5 से ज़्यादा है, अगर 18.5 से ज़्यादा है तो पर्सन क्या है, अंडर नरिशमेंट है. ओके, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है शायद. इफ बीएमआई लेस देन होगा, ओके यहाँ पे लेस आएगा, सॉरी फॉर दिस. देखो अगर बीएमआई है ना, अगर 18.5 से कम आएगा तो पर्सन क्या है, अंडर नरिशमेंट है, जिसको आप सिंपल सा बोल सकते हो भाई उसको कुपोषण का शिकार है. ठीक है, कुपोषण, ओके, अंडर नरिशमेंट है, यानी बॉडी नहीं है नरिशमेंट होती थी. ओके, तो ये होगा 18.5 से अगर कम है तो. उसी तरह अगर बीएमआई है ना 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है तो पर्सन ओवर वेट है उसका, पर्सन का क्या है, ओवर वेट है. अब यहाँ पे देखो हमने जो पर्सन का निकाला, लाइक जिसका भी हमने निकाला उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या रखोगे, चलो उसका नाम चिड्डू रख दो, जो भी नाम. ठीक है, अब उसका आया 12. अब आप खुद देखो भाई लेस देन 18.5, अब इसका तो कितना कम है, 12. इसका मतलब ये जो जिस इंसान का मैंने लिया बीएमआई किया, ये क्या है, अंडर नरिशमेंट है. ये क्या है, अंडर नरिशमेंट. ठीक है, इसको ये अंडर नरिशमेंट है क्योंकि इसका बीएमआई क्या है, इसका बीएमआई है 12. आ गया समझ में. उसी तरह अगर है ना 18.5 से, मतलब यहाँ पे समझो आप सिंपल सा ये भी लॉजिक्स लगा सकते हो भाई, 18.5 और 25 अगर इन इसके बीच में अगर बीएमआई निकलता है तो बॉडी क्या है, नरिशमेंट है, अच्छी है. आ गया समझ में. ओके, वैसे मैंने अपना निकाला था तो मेरा आया था 19 आया था मेरा. ठीक है, यानी समझ लो मेरा तो बिल्कुल ठीक था. ओके, तो आप इसको ट्राई जरूर करना. तो अभी है ना आपको बीएमआई समझ में आ चुका है, बीएमआई क्या होता है आपको दिख रहा है. ओके, तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई बीएमआई क्या होता है ना. तो उसी तरह अब लग गया तो आप ये भी समझो पीडीएस. ओके, अब इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो देखो बीएमआई को ठीक करने के लिए है ना, जो बॉडी मास इंडेक्स है इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मतलब अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जो नहीं, जो बहुत लोग पुअर होते हैं ना, तो उनके लिए किया ये. ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो जैसे राशन की दुकान होती है, जो नहीं होता सरकारी वाला, आपने सुना होगा इसके बारे में, देखा भी होगा, उसके लिए कार्ड बनता है जहां से ले सकते हैं, है ना. तो ऐसा होता है ताकि है ना वो अनाज खाएंगे, खाना खाएंगे अच्छे से, तो जो एडल्ट्स है उनका क्या होगा, बीएमआई अच्छा होगा. ठीक है, तो इसलिए है ना ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाया गया. ठीक है, अब इसकी मतलब अभी क्यों किया गया, देखो जो मतलब बीएमआई को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इम्प्रूव करने के लिए जो हेल्थ होता है, जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है पीपल्स का, उसको ठीक करने के लिए किया गया. तो कुछ स्टेट्स में ये किया गया है. ठीक है, इन सम स्टेट्स इम्प्रूविंग देयर बीएमआई, जिसके कारण है ना जहां पे नहीं हो पाता, जो स्टेट पिछड़ी हुई है लाइक बिहार, ऐसे हर जगह ऐसा, तो मैं वहां के बारे में बता रही हूँ, तो वहां पे भी ये सब दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका पहले डिफिनेशन लिख देती हूँ. पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इज
अब है ना, ये है ना, ये नहीं कि सबको दे देंगे, जो पुअर होता है ना तो उनको ये दिया जाता है, तो इसके लिए कार्ड भी बनता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने नॉर्मली ये भी देखा है भाई, जहाँ पे अगर लाइक 5 kg चावल होता है ना, जैसे 5 kg चावल देते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं 3 kg चावल दे देते हैं, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। तो ऐसा होता है भाई, अब क्या करें अब, है ना। तो इसमें भी बहुत, क्योंकि जो अनाज आता है, अब जो लोग हैं वो तो सीधा देख के नहीं, आपको पता है उसमें कितना घपला होता है। सो ये बात अलग थी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो आई होप आपको PDS क्या होता है ये समझ में आ गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। तो अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले मैं डेफिनेशन दे दूं। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई डेवलपमेंट ऐसा करो, ठीक है, डेवलपमेंट ऐसे करो, इट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, यानी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें, है ना, हम एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करते, तो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखो अब क्या है, जो मतलब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा यही मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसा करो भाई जिसमें, है ना, जो एनवायरमेंट है उसको हम डैमेज ना करें, ठीक है, जो पर्यावरण है उसको डैमेज नहीं करें, और डेवलपमेंट जो हम अभी कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो जो आने वाली पीढ़ी है, जो नीड्स है फ्यूचर्स की, उसके मतलब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, उसके लिए भी रखें, ठीक है, जो वो यूज कर, मतलब वो भी ताकि यूज कर सके। तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे अब आगे आपको समझ में, इग्नियस डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है वो ऐसे हो, शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, मतलब जिसमें डेवलपमेंट डैमेज नहीं हो, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, जिसमें है ना एनवायरमेंट डैमेज नहीं हो, और डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में हो रहा है वो, है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करे जो नीड्स है फ्यूचर जनरेशन की, ओके। तो इसका मतलब यही होता है। तो वैसे भी आपका ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, तो उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियरली भी मैंने बताया है, ओके। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तो अब ये है, अब देखो वीडियो में नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप है ना कमेंट में जरूर एक बार बताना अगर आपको डाउट है कोई भी, अगर कोई टॉपिक तो अगर कुछ छूट गया, अगर आप फिर भी मुझे एक बार बता देना कमेंट में, ठीक है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल अच्छे से फुलफिल कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।